क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में अपन को क्लास इंटरवल दिए, फ्रीक्वेंसी दिए और मीन, मॉड और मीडियन तीनों चीजें निकालने को बोला। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं इसका मीडियन और मॉड निकाल दूंगा। उसके बाद फिर अपने पास एक रिलेशन है ना, 3 मीडियन इक्वल्स 2 मॉड प्लस 2 मीन, उससे अपन मीन निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अपन टेबल बना लेते हैं। ये हो जाएगा क्लास इंटरवल, यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पे आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 to 60, ठीक क्या हो रहा है, 50 to 60 और 60 to 70। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, 4, 7, 10, 12, 8 और 5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4 को 4 लिख देते हैं, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 इक्वल्स टू 25, 25 प्लस 12 इक्वल्स टू 37, 37 प्लस 8 हो जाएगा आपका 45 और 45 प्लस 5 हो जाएगा अपना 50। तो यहाँ से अपने पास क्या क्या आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अपन को एन निकालना है। एन जो होता है वो समेशन एफ आई के बराबर होता है और समेशन एफ आई जो होता है वो होता है लास्ट सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 50। एन बाय टू निकालेंगे, दैट इज 50 बाय 2 इक्वल्स टू 25। अब अपन को 25 से बड़ा चाहिए, यहाँ पे 25 भी और 20 अप, पर अपन को 25 नहीं चाहिए, अपन को चाहिए 25 से बड़ा। तो ये हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास, ये हो गई मीडियन क्लास, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एफ। तो अपना क्या आ जाएगा, अपन निकालेंगे अपना मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा अपना 40 प्लस एन बाय टू की वैल्यू 25 आई थी, सी की वैल्यू भी 25 आई है, अपॉन एफ की वैल्यू 12 है इंटू 10। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि 25 माइनस 25 जीरो होता है, तो अपना मीडियन आ जाएगा 40। ठीक है, मीडियन आ गया। अब अपन निकालेंगे मॉड। मॉड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है अपना एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब अपन को मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है, 12। तो यही अपनी मीडियन क्लास भी है और यही अपनी मॉडल क्लास भी है। ठीक है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन एफ वन नाम दे देते हैं, उसके ऊपर वाली को एफ जीरो नाम दे देते हैं, उससे नीचे वाली को एफ टू नाम दे देते हैं, और जो मॉडल क्लास की लोअर क्लास होती है वो अपना एल हो जाता है। यही सब अपन को चाहिए होता है। तो अपन मॉड निकालेंगे। तो एल की वैल्यू क्या है, 40 प्लस एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी 12, एफ जीरो है 10, 2 into F1 हो जाएगा 24, माइनस 10 माइनस 8 है ना, हाँ माइनस 8 इंटू एच, एच की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 दैट इक्वल्स टू 1/3, और 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 3.3333। तो अपने मॉड की वैल्यू क्या आ गई, अपने मॉड की वैल्यू आ गई 43.33। अब अपने पास मीडियन है और मॉड है। अब अपन को रिलेशन पता है मीन के लिए कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। मीडियन की वैल्यू 40, तो 3 into 40 इज इक्वल्स टू 2 into mean प्लस मॉड की वैल्यू आई थी 43.33। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 43.33 इज इक्वल्स टू 2 मीन। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 120 माइनस 43.33 होता है 76.667, या फिर एक्चुअल में 66 ही रहेगा, या फिर आप इसको 67 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि ये 33 एक्चुअल में 33 बहुत इनफाइनाइट टाइम्स होता है ना, तो जब माइनस करोगे तो ये 76.67 लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 2 मीन। तो यहाँ से मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मीन की वैल्यू आ जाएगी 76.67 डिवाइडेड बाय 2,
दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 38.33, बस इतने छोटे। तो ये हो गया अपना मीन आ गया, मॉड आ गया और मीडियन आ गया।